दोस्तों, शुक्रवार को एक फिल्म रिलीज हो रही है, अनुराधा और उसकी कहानी। और आज हमारे स्टूडियो में उस फिल्म के डायरेक्टर राजू मवानी, प्रोड्यूसर और लीडिंग लेडी दिशा चौधरी और हीरो राहुल जैन हैं। लेट्स वेलकम देम। वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। अनुराधा और उसकी कहानी, जाहिर सी बात है आप अनुराधा की भूमिका निभा रही है। ये स्टोरी आपकी है, आप इनके पास गई, ये आपके पास आए। हाउ वॉज द प्रोजेक्ट बॉर्न? एक्चुअली जो ये स्टोरी है दिवाकर सर जी के है, एंड फिर हम गए सर राजू सर के पास और दिवाकर सर जी ने उन्हें अप्रोच किया। देन एक्चुअली पूरा निखारा है, जो ये जस्ट एक वन लाइन स्क्रिप्ट थी, उसे पूरी जो निखार दिया गया है वो राजू सर ने दिया है। अच्छा। पूरी उनको ही क्रेडिट जाती है। अच्छा राजू जी, मुझे ये बताइए, काफी टाइम बाद आप वापस डायरेक्शन में उतरे हैं। एक्चुअली आपने शुरुआत की थी बतौर प्रोड्यूसर, फिर यू टर्न्ड डायरेक्टर, एंड देन दिस रामगोपाल वर्मा मेड यू एन एक्टर। तो आजकल आप स्क्रीन पर ज्यादा दिखते हैं, क्या यही वजह है कि फिल्में बनाने का टाइम कम मिलता है? फिल्में बनाने का टाइम कम मिलता ऐसा नहीं है, लेकिन जहां मैं, रामू ने मेरे को एक्टर बनाया, उसके बाद यानी मैं काम मांगने तो नहीं गया किधर, लेकिन जहां जहां ऑफर हुई मैंने किया। अब तक कितनी फिल्मों में काम कर चुके हैं आप? 20-25 होगी। 20-25। लेकिन मैं बोलूं आपको, जो ये कॉर्पोरेट सेक्टर आए, यानी मैंने जब इससे फिल्में बनाना बंद किया ऑलमोस्ट वो टाइम में कॉर्पोरेट वाला आए, उस दिनों बाद मैंने एक्टिंग भी की है और दो फिल्में भी बनाई एज ए प्रोड्यूसर। लेकिन ज्यादातर फिल्मों में वेस्टेज ज्यादा होने लगा, मेरे को लगता है ऐसा, पैसों का वेस्टेज। पैसों का, कॉर्पोरेट आने से लोगों को पैसे आ रहे थे और पैसे का हिसाब किताब कुछ नहीं है, कॉर्पोरेट को फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट बगैर का पैसा है। और कई लोगों ने अच्छे पैसे बनाए उसमें। मगर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स का जो रिस्क है, रिस्क फैक्टर, वो कम हो गया, क्योंकि खत्म हो गया, कम नहीं हो गया, खत्म हो गया। फिर आप जैसे प्रोड्यूसर को तो और फिल्में बनानी चाहिए थी। सर ये मेरे में और बाकी प्रोड्यूसर में यही फर्क है, क्योंकि मैं शायद गुलामी नहीं कर सकता और चमचागिरी नहीं कर सकता मैं। तो आपको लगता है कि चमचागिरी गुलामी जरूरी है? ज्यादातर या रिलेशन हो गए आपके बड़े स्टारों के साथ, या ये काम करो, और मेरे से नहीं होता। एंड प्लस आप बिजी हो गए बतौर एक्टर। बतौर एक्टर ये ऐसा नहीं है कि मैं साल में 10 फिल्में की, ऐसा बिजी भी नहीं रहा मैं। लेकिन यार बीच में एक टाइम आया था जब 4 पिक्चर की एक साथ में शूट कर रहा था, तभी मेरे को लगा अभी क्या करूं मैं, कैसे डेट मैच होगी मालूम नहीं, और उतने में ये फिल्म आ गई मेरे पास। दैट्स इंटरेस्टिंग। राहुल जी, आप मिस्टर जयपुर रह चुके हैं, एंड यू हैड आल्सो पार्टिसिपेटेड इन मिस्टर इंडिया। फिल्मों का शौक उस समय से है, उससे पहले से है? मूवीज का शौक तो मुझे काफी टाइम से था, मतलब अमिताभ जी के तो हम फैन है। मुझे आज तक याद है मैंने फर्स्ट मूवी जब देखी थी टीवी पे, जब फर्स्ट टाइम भी आई थी, फ्राइडे को स्टार्ट हुई थी आना DD1 पे दीवार, तब से मुझे मूवीज का बहुत ज्यादा क्रेज हुआ। उनका जो स्टाइल है एंग्री यंग मैन का, उस तरह का। फिर मैंने मॉडलिंग की काफी, बट 4 years back मैं क्विट कर गया मॉडलिंग से, क्योंकि मुझे मूवी लाइन में आना था। तो फिर ट्राई किया, कोर्स भी किया था मैंने, तो फिर मॉडलिंग छोड़ के एक्टिंग साइड मैंने ट्राई किया, फिर थोड़े ऑडिशंस दिए, फिर इन लोगों से मिला। इन लोगों से मिलना कैसे हुआ? एक्चुअली इनसे मैं एक ऑडिशन के थ्रू ही मिला था, और फिर तब नॉर्मल फ्रेंड थी, मुझे नहीं पता था कि ये प्रोड्यूसर है, बस एक फ्रेंड थी, मुझे इनका बैकग्राउंड भी नहीं पता था। फिर अचानक से बस हम कांटेक्ट में थे, हाँ, तो 2-3 साल बाद अचानक से इनका फोन आया कि राहुल मूवी करोगे, एक हम मूवी कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं करूंगा, मुझे तो वही करना है। तो फिर मैं इनसे मिला, ऑडिशन लिया, फिट बैठ गया मैं, तो काम हो गया आगे, ये चीज है। दिशा जी, आप प्रोड्यूसर कैसे बनी, एक्ट्रेस है आप या प्रोड्यूसर है, या एग्जैक्टली आपका बैकग्राउंड क्या है? मैं बिलोंग करती हूँ बैंगलोर से, एंड हमारे जो कंपनी है कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन फील्ड से ही हूँ मैं, एंड लास्ट 4-5 years आई वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन फील्ड। देन सडनली, हाँ पहले बहुत टाइम पे सोचती थी, 2008 और 2009 मैं बॉम्बे आई थी, एक्टिंग की बहुत भूत चढ़ी हुई थी, तो मैंने भी किशोर नमित कपूर की एकेडमी में ज्वाइन किया, पर मुझे वहाँ पे कुछ खास सीखने को नहीं मिला। देन आई टाइड अप एंड मैं फिर रिटर्न चली गई। देन फिर सोचा कि नहीं, अगर हीरोइन बन के आना है इस इंडस्ट्री में तो कुछ बन के आना बेटर है, बिकॉज यहाँ पे इतने सारे कॉम्पिटिशन है, एंड वो सभी क्रॉस करके जाने में बहुत टाइम लग जाती है, और उसमें आधा लाइफ ही चली जाती है सपोज। तो मैंने फिर पूरी ध्यान अपने बिजनेस में ही दिया, एंड देन जब भी मैंने लगा कि हाँ मुझे अभी जाना चाहिए बॉम्बे में, और मुझे सही डायरेक्टर के पास जाना है जो मुझे निखारे और मुझे बाहर लाए इस इंडस्ट्री में,
तो आई एम लकी, यस, दिवाकर सर जी के थ्रू मुझे सर मिल गए और सर ने मुझे निखारा. और एक्चुअल एक्टिंग मैंने सर से ही सीखा, जो एक्ट ऑन द फ्लोर जो मुझे बताया जाता था, जो भी मैंने सीखा, मतलब मैं उस एकेडमी को क्रेडिट नहीं देना चाहती हूँ, जो भी देना चाहती हूँ यहाँ पे देना चाहती हूँ. बिना पैसे के मैंने बहुत सारा एक्टिंग सीखा एंड काम भी किया. राजू जी, इससे पहले भी आपने कई लोगों को ब्रेक दिया है इंडस्ट्री में. जब उन दिनों 90s में आप फिल्में बनाया करते थे, सुनील शेट्टी आई थिंक वॉज सुनील शेट्टी, दिव्या भारती, नदीम श्रवण, अजीत सजावल, अजीत सजावल डायरेक्टर, राइटर, दिव्या दत्ता, मोनिका बेदी, संजय मालवनकर कैमरामैन, वो यानी क्लैश में करता था. फर्स्ट ब्रेक मैंने दिया सुरक्षा में उसको एज ए कैमरामैन. करेक्ट. कई लोग तो, सम्राट मानेक. अच्छा, तो आपको ये शौक है नए लोगों को इंट्रोड्यूस करना या इत्तफाकन आपकी फिल्मों में ये इंट्रोड्यूस हो जाते हैं? शायद मेरा ईगो होगा कि मैं नए को लेके बना लूं, लेकिन अभी वो ईगो खत्म हो गया. क्यों अभी दुखी हो गया? ये जो चूना है ना, जो मेकअप लगता है, इसलिए मैं मेकअप नहीं करता. इसके रिएक्शन बहुत खराब आते हैं. सगे बाप को नहीं पहचानते, मैं किसी का नाम नहीं दूंगा, लेकिन जहां आप स्टार बन गए बाद में कोई कुछ नहीं है. आपको ऐसा लगता है कि स्टार्स फिर आगे निकल जाते हैं और जिन्होंने उन्हें ब्रेक दिया है उनको भी याद नहीं रखते? या नहीं रखते. बट ये इंडस्ट्री ऐसी ही है. ऐसी है, लेकिन मैं नहीं समझाता, आज समझ गया हूं मैं. मगर आपने कभी जिनको आपने इंट्रोड्यूस किया है, जो आपको फिर वापस वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जो देनी चाहिए, उनको कभी मिल के समझाने की कोशिश की है कि आपने ये कोशिश नहीं की? सर, ये इंडस्ट्री में मेरे को लगता है आप मेरे से ज्यादा है या मेरे से पहले से है. ये इंडस्ट्री में स्टार बनने के बाद कोई समझता है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल. तो फिर ऐसी चीजों से दिल छोटा हो जाता है क्या? यही कारण है कि आपने फिल्में कम बनाना शुरू किया है? या देखो, जैसे मैं नए लोगों को इंट्रोड्यूस करता था, मेरे को ये लगता था कि मैं अपने हिसाब से काम निकाल सकता हूँ इनसे. सही बात है. और अगर उनकी सिंसियरिटी हो तो काम अच्छा निकल सकता है. लेकिन जब बाद में आप कहीं सेट पे जा रहे हो कहीं और आपको गाली देके बोला जाता है, देखो ये आ गया, और दूसरे प्रोड्यूसर या डायरेक्टर वो हंसते हैं वहां पे अपने नाम से, वो लोग ये नहीं समझते जिसने इंट्रोड्यूस किया उसके बारे उसी को गाली दे रहा है तो आपका फ्यूचर क्या होगा? कुछ लोग ने मेरे को भी बोला, यार तू लेके आया इसको, मतलब मैं लेके आया, अकल तो तुम्हारे में थी ना, बाद में तुमने क्यों उसके साथ काम किया? तो ये एक सिस्टम बन गई. और इसलिए या सिंसियर एक्टर आज भी मिले तो मैं आज भी इंट्रोड्यूस करूं, कोई ना नहीं है. क्योंकि आप अपने हिसाब से काम निकाल सकते हो. शायद बड़े स्टार के साथ आप बोल नहीं सकते कि भाई मेरे को ऐसे शॉट लेना है या मैं ये थीम के ऊपर जाना चाहता हूं. जैसे ये फिल्म है, ये मेरे को लगता है एक जमाने में ऋषिकेश मुखर्जी या ऐसे लोग बनाते थे, लेकिन इसमें हार्ड हिटिंग कंटेंट्स है इसमें. लेकिन मैं फिल्म बनाई वो हिसाब से ही है. कोई जगलरी यूज नहीं की मैंने. रियलिटी चाहिए मेरे को. हर एक्टर से मैंने वो हिसाब से काम करवाया. कभी कभी कुछ टेंशन भी हुई, लेकिन मैंने अपना काम निकलवाया. दो न्यू कमर्स, हीरो भी नया, हीरोइन भी नई, दिक्कत हुई? नो, मतलब आप शुरू से कॉन्फिडेंट थे कि आप न्यू कमर्स के साथ वापस पिक्चर बना पाएंगे? मेरे को ये, मैं सही बोलूं, ये जो मेरे पास स्टोरी लाइन आई थी कुछ 16 सीन के साथ, और कोई आया था आदमी साथ में कि भाई ये डेवलप करेगा, लेकिन उससे मेरे को जमा नहीं कुछ. तो मैं दिवाकर को बोला ये डेवलप मैं करता हूँ. उनकी कंडीशन ये थी कि ये सीन्स आने चाहिए, मतलब जितने मैक्सिमम सीन आएंगे मैं रखूंगा, लेकिन लाइन यही लेके जाऊंगा मैं. और वो लाइन पे गए हम, लेकिन मेरे को लगता है ये प्री क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स ये फिल्म की जान है. बाकी सबने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन प्री क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स आज भी देख के मेरे को खुशी होती है कि ये मैंने किया. अच्छा, ओह दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. राहुल जी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन द फर्स्ट फिल्म? काफी अच्छा रहा. मॉडलिंग और एक्टिंग, मतलब आधे से मिला, दोनों में कैमरा है, टोटली डिफरेंट, क्योंकि उसमें एक्सप्रेशन लेस होता है मॉडलिंग, और अपना एक्टिंग में तो टोटल एक्सप्रेशन ही चाहिए आपको. सर के साथ काम किया, अच्छा लगा. ये है कि हाँ, सीन के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से वो सडन चेंज कर देते हैं. अगर जरूरी नहीं कि स्क्रिप्ट के हिसाब से चला जाए, अगर वहां पे उनको लग रहा है कुछ और तो हाँ सडनली चेंज हो जाएगा. वो एकदम ये उस पर नहीं रहते कि हाँ नहीं मुझे यही चाहिए. अगर लगता है हाँ चेंज करते हैं, हमारे कोरियोग्राफी में भी किया उन्होंने, डांसिंग में भी किया, काफी चीजों में किया, तो मुझे अच्छा लगा. मतलब ये कि एक्टर से पूरा काम निकलवा लेते हैं, आपको खुशी होगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ मैंने अपना पूरा 100% दिया है,
क्योंकि सर ने निकलवा लिया है, तो मुझे सेटिस्फाइड हूँ मैं इस चीज से कि हाँ मैंने अपना पूरा 100% दिया है, बाकी तो देखते हैं क्या है। और अब ये फिल्म जो हो गई है उसके बाद कोई और फिल्में साइन की है या इस फिल्म के रिलीज का वेट कर रहे हैं? फिलहाल तो इस फिल्म के रिलीज का वेट कर रहे हैं, बाकी हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं शायद एक दो बना रहे हैं, तो इनका भी वेट है कि शायद मुझे ही ले लें उसमें, और हमारे डायरेक्टर सर तो हैं ही साथ में। तो आपने अब कंस्ट्रक्शन बिजनेस छोड़ के फिल्म मेकिंग भी, वो भी है। अच्छा वो भी है, वो बैंगलोर में है। हाँ, वो नहीं छोड़ सकते। तो बैंगलोर में कंस्ट्रक्शन बिजनेस, यहाँ पर फिल्में बनाना, हाउ डू यू मैनेज? वहाँ पे मेरे सब लोग हैं संभालने वाले, तो देख रहे हैं, एंड वीकली वंस मैं जाके आती हूँ एक दो दिन। वो मतलब अच्छी खासी चल रही है, उसे कुछ टेंशन नहीं है, बिकॉज वो बेबी अभी बड़ी हो गई है। अभी नाउ शिव शक्ति प्रोडक्शन को भी बड़े करना है, और जो अनुराधा बेबी है उसे रिलीज करनी है और उसको सही जगह पे सही मकाम पे पहुंचानी है। विदाउट कॉर्पोरेट बैकिंग आपको कोई दिक्कत आई ये फिल्म कंप्लीट करने में और अब रिलीज करने में? नहीं नहीं, देखो हमने जब फिल्म बनाई तभी भी कॉर्पोरेट को कॉन्टेक्ट नहीं किया, या ये रिलीज भी कर रहे हैं मेरे हिसाब से जैसे आप बजट पूछ रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है जितनी मेकिंग कॉस्ट है उतनी रिलीज की कॉस्ट है। ऑफ कोर्स वो तो होता ही है, बिल्कुल, ये कम से कई बार तो ज्यादा होता है, ज्यादा हो जाता है, लेकिन ये फिल्म के लिए ऑलमोस्ट उतना ही है। हमने फिल्म बना ली है, या अभी रौनक एंटरटेनमेंट थ्रू हम रिलीज कर रहे हैं जो गुड्डा राकेश चतुर्वेदी, तो सब डिस्ट्रीब्यूटर बड़े बड़े हैं हमारे, यानी वो कमांड कर सकते हैं थिएटर के साथ। तो कॉर्पोरेट के ऊपर, ये नहीं है कि मैं कभी कॉर्पोरेट के साथ काम करना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं जो सुना हूं या कॉर्पोरेट में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो शायद पूरी चीजें समझते नहीं है, है? और जैसे टाई पहन के सूट बूट पहन के मैं नहीं समझता फिल्म लाइन में चल सकते हो आप, रिलेशन पे चलती है फिल्म लाइन अभी भी? अभी भी देखो आप देखो ये कॉर्पोरेट वाले आते तो प्रोड्यूसर के पास ही है, प्रोड्यूसर के थ्रू ही करते हैं। सही बात है, कॉर्पोरेट ने जितनी फिल्में खुद बनाई है मेरे को बोलना नहीं है किसका क्या हाल है या क्या हासिल हुआ है। तो यू मीन टू से प्रोड्यूसर्स अभी भी बहुत अहमियत रखते हैं? 100% रखते हैं, मगर ये भी सही है कि कॉर्पोरेट की बैकिंग के बिना इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स का खड़ा रहना थोड़ा मुश्किल हो गया है। डिपेंड्स, अभी कोई प्रोड्यूसर के पास है अच्छे खासे पैसे तो वो खुद भी बना सकते हैं। तो क्या फिल्म मेकिंग बहुत डिफिकल्ट प्रोपोजिशन हो गया है? हाँ कुछ हद तक हाँ, क्योंकि मैं मानता हूँ वेस्टेज ज्यादा हो गया है। अच्छा यानी मैं एज ए राजमोहन एज ए एक्टर मैं नहीं मानता हूं कि मेरे को वैन चाहिए, वैनिटी वैन, मेकअप वैन, मेकअप वैन, लेकिन कुछ एक्टर से मैं पोजीशन रखता हूं, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कुछ एक्टर से पोजीशन रखता हूं, फिर भी मैं रास्ते पे खड़ा होकर कपड़े चेंज करता हूं, बार रोड पे कुर्सी पे बैठ के मेकअप करवाता हूं, लेकिन कुछ है लोग उनको वैनिटी वैन चाहिए। कई स्टूडियो में देखा हूं 8-8, 10-10 वैन लगी हुई है, उसमें सिंगल डोर भी होगी, 2 डोर भी होगी, 3 डोर भी होगी, और जिनकी कुछ पोजीशन नहीं है वो भी वैन में बैठे हैं, और डिमांड के साथ, यानी वैन नहीं मिलेगी तो शायद शूट नहीं करेंगे। मैं आज भी मेकअप मैन लेकर नहीं जाता हूं, कंपनी का बॉय लेकर, बैनर का जो मेकअप मैन होता है, क्योंकि ये अंदर से तो प्रोड्यूसर हूं ना मैं। सही बात है, क्यों मैं किसी, यानी किसी की भी लाइफ बनेगी अगर मैं लेके जाऊंगा तो उसको 1,000, 2,000, 5,000 मिलेंगे, लेकिन तो प्रोड्यूसर का तो एडिशनल खर्चा है ना, एडिशनल और बिना वजह। तो मैं ये सब चीजों में मानता हूँ, ऐसे ये एक एग्जांपल है, कई जगह पे ऐसा वेस्टेज मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। राहुल जी ये बातें आपको शूटिंग के दौरान भी सीखने मिली या आज ही सुन रहे हैं? ये मैंने देखा है, मिनिमम चीजों में ये मैक्सिमम काम निकाल लेते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो होता है ना वो ये कर लेते हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इनको वो भी चाहिए वो भी चाहिए, नहीं, जो चीज है उससे अपन को मैक्सिमम चीज निकालनी है, तो देखा है मैंने पूरा सेट पे, तो इसलिए चीज बहुत अच्छी बन के आई है। मतलब एक अभी ये नहीं कि मेरी मूवी है हमारी मूवी है, लेकिन हाँ लगता है कि बहुत अच्छी मूवी बनी है। इसका रोल क्या है इस फिल्म में? मैं इसमें अविनाश है मेरा कैरेक्टर का नाम, और मैं अनुराधा है, पहले इनके कॉलेज में होता हूँ, फिर हमारी शादी हो जाती है, तो मेरा रोल इस तरह का है कि ऐसा लड़का होता हूँ कि सही चीज को फॉलो करता हूँ बस, मैं ऑलवेज जो चीज सच है उसी के साथ रहूंगा, चाहे से मेरे पेरेंट्स अगर गलत काम करें तो उनके अगेंस्ट में रहूंगा, तो मेरा इस टाइप का रोल है। मतलब आप बहुत प्रिंसिपल्ड इंसान हैं। टोटल सेल्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मेरे, उनको फॉलो करता हूं मैं और उन्हीं चीज पे चलता हूं। पेरेंट्स साथ में है तो अच्छी बात है, अगर अगेंस्ट में है तो वो अगेंस्ट में ही है मेरे। ओके, बिकॉज आपके प्रिंसिपल्स के खिलाफ। बिल्कुल, और इसलिए मैं अनुराधा को भी सपोर्ट करता हूं, क्योंकि
ये भी हमेशा सही रहती है, तो इसलिए मैं इसको हमेशा सपोर्ट करता हूँ। कभी कभी पेरेंट्स के साथ मेरी होती है क्योंकि प्रॉब्लम उनकी तरफ से आती है, तो ये चीजें हैं। राजू जी, कितने दिनों में आपने ये फिल्म बनाई है? ये 32 डेज। 32 डेज और एट अ स्ट्रेच बनी है या नहीं? यानी दो शेड्यूल हुए। दो शेड्यूल्स, ओके। न्यू कमर्स है खासकर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। और आजकल एक फैशन सा बन गया है टू हैव वर्कशॉप्स बिफोर यू गो इन फॉर शूटिंग, तो आपने भी वर्कशॉप्स किए इस फिल्म के? वर्कशॉप देखो, हमने 9 से 9 शूट किया हमने, तो उसमें आधा एक घंटा वर्कशॉप जैसा उधर सेट पे ही करते थे। ओके, ऐसे नहीं कि पहले शूटिंग से पहले 10 दिन 15 दिन या 20 दिन का वर्कशॉप हो? नहीं नहीं, वो नहीं किया, क्योंकि फिल्म हम लोग मिले शायद अगस्त में और सितंबर से शूट चालू किया हमने। अच्छा, ओके ओके, तो उतना टाइम भी नहीं था। प्लस जैसे सचिन खेड़ेकर है, स्मिता जी है, किशोरी शाह है, मनोज जोशी, ऋषिदा भट्ट, ये तो सब मंझे हुए एक्टर्स हैं, मंझे हुए और अच्छा काम किए वो लोग, और उनको यानी 1.5 महीने में सबको साइन भी किया, सबकी डेट भी मैच की, वो हिसाब से शेड्यूल बनाया हमने। आपने जैसे कहा कि पहले के जमाने में कैसे फिल्में बनती थी, अब कैसे बनती है, बदलाव कुछ आया है? टेक्निकली बदलाव है। अच्छा, नॉट अदरवाइज? नन, क्योंकि आपको कंटेंट्स के साथ ही खेलना है, तो उसमें आप क्या और बदलाव करोगे? करेक्ट। और है ये, समझो एक जमाने में ऐसी कहानियां बनती थी, मैं क्लाइमेक्स प्री क्लाइमेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कहानी की बात कर रहा हूँ। आज वो नहीं है, आज एक्शन फिल्म है, टेक्निकली स्ट्रांग है एक्शन फिल्म में, या कॉमेडी फिल्म बनती है, या म्यूजिकली देखो तो 400-500 डांसर्स के साथ बनती है। मेकिंग कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई है, और कुछ हद तक ये भी है कि जितना खर्चा ज्यादा करोगे उतनी अच्छी फिल्म ऐसी समझ में आती है लोगों को, जो कि सच नहीं है। नहीं, 100% नहीं है, नहीं तो ये ओबामा नहीं चलती। फंस गया ओबामा नहीं चलती, क्योंकि वो बहुत ही कंट्रोल बजट में बनी है। सही बात है, लेकिन आजकल ये 100 करोड़ के जो है, तो लोग 50-60 करोड़ डाल सकते हैं आराम से, कि 100 करोड़ तो आने ही। करेक्ट। और रिलीज करना, ऐसी छोटी फिल्म जब आप बनाते हैं, उस फिल्म को रिलीज करना ज्यादा मुश्किल होता है या कंप्लीट करना मुश्किल होता है? दोनों चीजें है। छोटी फिल्में कई बनी है जो रिलीज नहीं हुई है, या बनते बनते बंद हो चुकी है, बीच में बंद हो जाती है, और बन गई है तो रिलीज नहीं हो सकती। लेकिन मेरे कुछ रिलेशन अच्छे हैं, जैसे गुड्डा के साथ, या मेरे को 2 बार मिला हूं उसको, और ये बोला हूं कि रिलीज करनी है, ना नहीं बोला मेरे को, और ऊपर वाले की दया से अच्छी तरह रिलीज होगी पिक्चर। किस टाइप की ओपनिंग या किस टाइप का बिजनेस आप देखते हैं इस फिल्म का? मैं समझ ही नहीं पाया कि लोग बोलते हैं ये सिंगल स्क्रीन की फिल्म है या मल्टीप्लेक्स की। होता है ऐसे कुछ? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं चंदन में भी देखता हूँ और पीवीआर में भी देखता हूँ। ओके, तो मैं कौन से क्लास का हूँ? करेक्ट, आप दोनों जगह देखते हैं। तो अगर मेरा ही कोई क्लास नहीं है, सिंगल स्क्रीन वाला या मल्टीप्लेक्स वाला, तो फिल्म का कैसे क्लास बन जाएगा? ओके, करेक्ट। ये लोग पता नहीं ये बना दिए ये। और ये फिल्म की ओपनिंग की बात है तो हमारे पास कोई बड़ा स्टार तो है नहीं, हाँ कहानी हमारी बड़ी स्टार है, वो इनिशियल जो भी लग जाए बहुत पब्लिसिटी से पिक्चर चलेगी, पब्लिसिटी पॉजिटिव होगा। या 100%। एंड दिशा जी, 2 रोल्स आपने अदा किए हैं इस फिल्म में, एक बतौर एक्ट्रेस, दूसरी बतौर प्रोड्यूसर, कौन सा रोल ज्यादा बेहतर लगा? दोनों रोल बेहतर लगे मुझे। यानी दोनों कंटिन्यू करने हैं? दोनों भी कंटिन्यू करना है मुझे आगे भी। एंड राहुल जी, अब मॉडलिंग को टाटा गुड बाय, एक्टिंग को हेलो। 4 इयर्स बैक ही मैंने क्विट कर दिया था, एक्टिंग ही है सब कुछ और एक्टिंग में ही करना है आगे, तो वही चल रहा है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, आपका वापस काम शुरू हो जाए एंड कॉर्पोरेट्स के साथ काम शुरू हो जाए, मैं तो ये कहूंगा, बिकॉज आजकल बड़ी फिल्म बनानी है तो कॉर्पोरेट्स की बैकिंग की जरूरत होती है। मे दिस फिल्म बी अ शोकेस फॉर योर टैलेंट एंड हियर्स विशिंग यू बोथ द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी टीम अनुराधा की, इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है, अलग सी फिल्म है, इंडिपेंडेंटली बनाई गई है, विद नो कॉर्पोरेट हेल्प एंड देयरफॉर इट नीड्स योर सपोर्ट। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, हमारी मुलाकात कल फिर होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में। इन द मीन टाइम, आपके कोई सुझाव, कोई सजेशंस हो तो प्लीज डू राइट इन टू अस एट bollywoodbusiness@znetwork.com एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा, तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए बीबिज, स्पेस छोड़िए, टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल, स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए 575755 पर। You can follow us on Twitter @ETC Bollywood. This is Komal Nahata bidding you goodbye.